तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाल छोड़ में गए फिर से। तो दोस्तों देखो, ये है मारुति इको। इसकी पिछली वीडियो आपने देख ली होगी जो मैंने इसका एड्रेस की डाला। अब इसकी मैं दिखा रहा हूँ आपको एयर निकालने का तरीका। जैसे मान लीजिए अपन इसमें कूलेंट वगैरह चेंज करवाते हैं, कई गाड़ियों में हो चुका है, मेरे पास कंप्लेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। जैसे मान लो आप कूलेंट चेंज कराते हो, ये सब कराते हो, फिर उसके बाद में डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करके ले आते हो, लेकिन दोस्तों देखो फिर आपकी गाड़ी ओवर हीट होने लग जाती है। तो वो चीज़ें नहीं हो गाड़ी में। तो मैं बता दूं, जब कूलेंट चेंज करा उस वक्त क्या करवाना है, इसकी एयर निकलवानी। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी इसमें पानी भर दिया, देखो ये रहा पानी भर दिया है, देखो अच्छे से दिखा देता हूँ, है ना, पानी भर दिया इसमें। अब इसमें एयर निकालनी है अपने को। तो एयर निकालने का देखो मैं बता देता हूँ पहले तो क्या करना है। सबसे पहले मैं एक मिनट प्लास लिया बेटा, प्लास ला दे एक सेकेंड। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जब पानी पूरा भर दिया ना, उसके बाद में ये पाइप देखो, जैसे प्लास से एक क्लिप हटा ली, इसको हटाकर और यूँ निकालना है बस। देखो निकालते इसमें देखो पानी नीचे जाने लग जाए, देखो ये नीचे गया पानी, देखो ये देखो नीचे गया, देखो कितना नीचे गया, देखो धीरे धीरे जा रहा है, देखो पानी देखो वो जा रहा है। इसको निकालते पानी जाने लग गया। तो अब इसमें जैसे पानी कम पड़ जाए तो इसको आने पहले तो हल्का सा अटका दो, जैसे मैंने वापस अटका दिया। फिर इसमें क्या करना है अपन को, और पानी डालना जितना इसमें कम पड़ गया, देखो बिल्कुल कम पड़ गया, तभी डाल देता हूँ मैं। डाल पानी, डाल और पानी डाल, फुल भर दे ऊपर तक, बस 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 बस। तो दोस्तों देखो फिर से अपन ने भर दिया, फिर इस पाइप को दोबारा हटाना है। देखो ये हटा दिया और ये देखो नीचे जाने लग गया पानी अब धीरे धीरे, ये देखो। अब अगर ऐसे नहीं जाए, इसको हल्का सा नीचे कर दो, देखो नीचे गया। अब इसमें देखो ये पानी आने लग गया इस पाइप में से, है ना, इस पाइप में से जैसे पानी आने लग जाए इसको हटाया और वापस लगा दिया। ये तो हो गया पहला प्रोसेस। अब दूसरा है जो मैं दिखाता हूँ, देखो कहाँ से इंजन के वहाँ से भी निकालनी है, तीन जगह से ये निकलेगी दोस्तों, जब जाकर गाड़ी में एक नंबर ये निकलती है, देखो। अब दूसरा जो प्रोसेस है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से ये जो इसका पाइप है ना, ये पानी वाला, देखो ये इसमें क्या, देखो LPG किट फिट है तो इसमें इस नलकी में से काट के वाटर सप्लाई ली गई है, लेकिन ये क्या होता है यहाँ से लेके और यहाँ पर ही इसी पाइप में एक जॉइंट में रहता है ये वाला, है ना। तो अब इस पाइप की क्लिप हटानी है, देखो वो भी दिखा देता हूँ, इसे हटा लेता हूँ। तो देखो दोस्तों मैंने इसकी एक क्लिप हटा ली है, अब देखो मैं इसको निकालता हूँ एक सेकेंड। ये देखो ये निकल गया, इसमें पानी निकल रहा है ना, पानी कम पड़ गया बेटा देख, ये देखो इसमें निकल रहा है ना। अब इस तरीके से पानी निकलना चाहिए, इसमें पहले हवा आएगी फिर पानी निकला, तो पानी निकलने लगे तो इसको रोक लेना है और देखो रोक के फिर दोबारा लगा देना है। मैं इसको लगा देता हूँ, अब देखो है ना बेटा, वीडियो शूट करना है इधर आके, देखो इस तरीके से पानी निकालना है इसमें थोड़ा बहुत, मतलब बस उधर ही शूट कर दो गुरु जी, और फिर इसको लगा देना है बस। ये देखो जैसे मैंने लगा दिया है, लगा के इसे कस देता हूँ, तो ये देखो छोड़ो मोबाइल छोड़ो, हाँ शाबाश। तो दोस्तों देखो ये पाइप। अब अगर इसमें गैस किट लग रहा है तो देखो मैं आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ से आ रहा होगा इसके पीछे से ये पाइप यहाँ से आके, देखो ये वहाँ से आ रहा है, ये पाइप वहाँ से आकर के सीधा यहाँ पे आके यही यहाँ पर ही एक पाइप में लगता है बड़े वाले में, मैं वो भी दिखाई देता हूँ। देखो वो लग रहा है नीचे, ये गेज के बगल में, देखो वहाँ पर देखो एक क्लिप लगी हुई है, वो पाइप है। या तो वहाँ से हटाना है इसको और फिर ये निकालनी है अगर ओरिजिनल पेट्रोल पे गाड़ी, और एक और जगह है वहाँ से भी ये निकालनी है। अजय यहाँ से निकाल दी तो पानी कम पड़ गया होगा, भर दिया पानी का ही है, हाँ ला भर, देखो ये देखो वहाँ से निकालने पे देखो पानी गया नीचे, तो फिर से पानी भरना है, पानी भर बेटा, यानी पानी क्या, जैसे आप कूलेंट डालोगे तो कूलेंट डालना है। मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ क्योंकि अभी इसका हेड का काम किया, तो अभी पहले लीक लाक चेक करेंगे, इसलिए देखो इतना पानी इसमें दोबारा आ गया। तो फिर दोबारा एक और बार ये निकालनी, वो कहाँ से निकालनी वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो तो दोस्तों देखो तीसरी और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जगह वो है ये नट, देखो ये छोटा सा नट, कई जगह पे 8 नंबर होता है, कई जगह पे 10 नंबर होता है। इसको क्या करना है, जैसे 8 नंबर पाने से जैसे मैं लूज कर लेता हूँ, देखो हल्का सा ये लो, हल्का सा लूज करके, देखो हल्का सा लूज करके इसे थोड़ा सा खोल देना है एक सेकेंड, हाथ जाने की जगह नहीं होती, बस थोड़ा सा खोलना है। ये देखो मैंने खोल के छोड़ दिया, उसमें देखो बूंद बूंद पानी आने लग गया, देखो है ना, इसको थोड़ी देर आने देना है बस। जैसे इसमें पहले तो बबल आएंगे, बबल के बाद में पानी आने लग जाएगा, तो जब भी पानी आने लग जाए ज़्यादा, हाँ भाई देखो अब इसमें से बबल आना बंद हो गए, पानी आ रहा है, देखो आप खुद भी देख सकते हो, देखो हल्का हल्का पानी आता जा रहा है, यानी थोड़ी देर तक आने देना है, मतलब पानी भी आने देना है थोड़ी देर तक। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए अब पानी आने लग गया, काफ़ी बढ़िया अच्छी स्पीड से पानी आने लग गया, तो अब इसको कस देना है बस, ये देखो कस देते हैं अब इसको,
यही सबसे मेन जगह है निकालने की, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है और ये लो इसे कर देते हैं आप, ये लो ये हो गया। अब देखो और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है ये निकालने की, और ये तीनों जो जगह से है ना, आप ये तीनों जगह से ये निकाल लोगे ना गाड़ी एक नंबर बनेगी। और ये दो का पानी गया नीचे, देखो ये निकालते पानी नीचे जाएगा, फिर बारो पानी थोड़ा थोड़ा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बारो स्टार्ट करूँगा मैं एक बार गाड़ी, है ना, भर दो थोड़ा सा, लिया हाँ डालो थोड़ा सा। अब देखो थोड़ा थोड़ा ही जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है बहुत सारा कम होएगा। ओ भर दो फुल, डाल दो पूरा, ये देखो अब ये हो चुका है पानी पूरा। अब इसकी ये निकल चुकी पूरी तरीके से, यानी कि देखो एक यहाँ से निकलती है, एक वो दूसरे पाइप से निकलती है और एक वो नट से निकलती है। इन तीन जगहों से अगर आपने ये निकाली तो गाड़ी में ओवर हीटिंग बिल्कुल भी नहीं होएगी। अगर आप इन जगहों से ये नहीं निकालते, यानी एक जगह से यहाँ से निकाल के और छोड़ देते हैं या फिर पाइप से निकाल के लो चलो स्टार्ट करो बाद में डाल दो, इसमें से ले लेगी। तो दोस्तों अगर एयर गाड़ी में रहेगी तो इसमें से भी नहीं लेगी, बल्कि मैं इसमें से, यानी कि जो है ना इसमें से पानी भरने लग जाएगी इसमें, यानी ये जो अपना डिब्बा है ना इसमें पानी भरने लग जाएगी ज़्यादा, और पूरा पानी बाहर निकालने लग जाएगी, यानी इसमें बहुत भयंकर तरीके से बाहर निकालने लग जाएगी। जैसे एयर रहने की वजह से अगर आपकी गाड़ी में कभी भी एयर रही ना, तो ये मान के चले और ये डिब्बे से पानी बाहर निकल रहा है ना, तो एक बार आप एयर जरूर निकाल के देखें गाड़ी की पूरा भरकर, जो मैंने दिखाया ना यही प्रोसेस है एयर निकालना है, इससे आपकी पूरी एयर निकल जाएगी। एयर होने की वजह से क्या होता है, यानी ओवर हीट होता है इंजन, यानी जो इंजन है पानी का सर्कुलेशन घूमता है ना, वो इंजन को चारों तरफ से ठंडा नहीं कर पाता है, क्योंकि पानी चारों तरफ घूम नहीं पाता है। तो ये देख लिए दोस्तों, ये है सबसे बेस्ट तरीका एयर निकालने का, और इसी तरीके से आप अपनी इको की एयर निकाल सकते हैं। ये तीनों जगह होती हैं एयर निकालने की, सबसे मेन ये तीनों है और सबसे मेन है वो आठ नंबर नट। तो ये देख लीजिए अब निकल चुकी है पूरी तरीके, और इसी तरीके से एयर निकाल कर ही अपनी गाड़ी का आपको ये निकालनी है और अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखनी है। कभी भी एक जगह से ये निकाल के ये नहीं सोचेगा ये निकल के चलो कोई ना। तो दोस्तों ये तरीका है प्रॉपर ये निकालने का वाटर की। तो और ये डिब्बे को अपन को सिर्फ देखो दोस्तों यहाँ तक बनना रहता है, फुल के हल्का सा ऊपर बनना है हमेशा, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो चलो अब चलते हैं वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदे ही रहेगी। तो अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।